हे गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। सो थंबनेल पर आपने रीड कर ही लिया होगा कि रीडिंग का टॉपिक क्या है। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगी आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, उनका एक्शन क्या होगा, कैसा जाने वाला है आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स, आपकी पर्सन की फीलिंग्स और एक्शन क्या होगा आपके लिए। सो रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है रीडिंग। गाइस एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपने मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट किया है और आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आई एम सो सॉरी उसके लिए, ठीक है, क्योंकि रीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। ओके, मैं जैसे फ्री होंगी मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो अगर अभी तक मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया है तो आई एम सो सॉरी, बट जैसे ही मैं फ्री होंगी आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, सो डोंट वरी। ओके, और प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगी आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, उनका एक्शन क्या होगा। आप गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दें। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक कार्ड मिला हमें एम्परर। ओके, यहाँ पर है जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस और वहाँ पर है एरिस। ओके, तो ये पर्सन फायर साइन के हो सकते हैं, एरिस लियो सेजिटेरियस स्पेशली एरिस, और यहाँ पर जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस है, तो इनका ये साइन हो सकता है एयर साइन के हो सकते हैं या तो फायर साइन के, या तो आपका साइन हो सकता है इनमें से कोई एक। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रहा है, जहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता था कि नहीं हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारा तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, या तो इस पर्सन ने कह दिया था आपसे कि बस हो गया, एंड हो चुका हमारे रिलेशनशिप का, आगे कोई फ्यूचर ही नहीं है, इस तरीके से अगर इन्होंने आपसे कहा था तो इनकी एनर्जी में आप, मैं ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन ने पावर अपने हाथ में लिया है, ठीक है। मैं इनमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट देख पा रही हूँ, कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हुए हैं आपके पर्सन, और इन्होंने ये पर्सन एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। ओके, भले ये पर्सन आपको दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं, हाँ थोड़े से ईगो दिखाई दे रहे हैं मुझे इनमें, थोड़ा सा ईगोइस्टिक पर्सन है जिसके वजह से ये पर्सन ऐसे दिखा रहे हैं कि नहीं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, इस पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है, बट ऐसा नहीं है, ये पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स ये पर्सन आपको देखेंगे, आपको वॉच करेंगे, आप मिसिंग वाली एनर्जी है, इनका फोकस आप पर है, और थोड़े से इगोइस्टिक पर्सन है, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट, अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो तो आपको कांटेक्ट ना करें, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको जज करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, ये आपको देखना चाहेंगे कि आप क्या करते हो, और मैं आपको बता दूँ अगर आपने ऐसा कहा है कि बस हमारा कुछ नहीं हो सकता, अगर आपने ऐसा जो मैंने कहा, ठीक है, वो आपके एनर्जी हो सकता है, अगर आपने ऐसा कहा है तो इस पर्सन को हर्ट हुआ है उससे इसका। ओके, इनको इनके ईगो को हर्ट हुआ है, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगी आपके पर्सन की फीलिंग्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एरिस लो सेजिटेरियस, क्या कहा था मैंने, आपके पर्सनल रीडिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इमोशनली या फिजिकली अगर आप दोनों दूर हो एक दूसरे से तो मुझे लग रहा है कि अब ये पर्सनल रीडिंग है। ओके, आपको कमिट करने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए, अगर ये पर्सन अपने फैमिली में बात नहीं कर रहे थे, आपके लिए स्टैंड ही नहीं लेते थे, तो अब ये पर्सनल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे मिलने आ रहे हैं, ओके, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन सब कुछ सही करने आ रहे हैं। देखिए, आपसे मिलने आ रहे हैं उसका यही मतलब है कि इस पर्सन को आप सब कुछ सही करना है आप दोनों की लव लाइफ में। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके फ्रेंड्स, इनके फैमिली इनका साथ है। ओके, इनको विक्ट्री हासिल करना है आपके साथ, इनको विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए, ये इनके नज़र से देख पा रही हूँ मैं। और जो लोग आपके रिश्ते के खिलाफ हैं, मुझे लग रहा है कि वहाँ से आपकी पर्सन ने कट ऑफ किया है खुद को,
इनको समझ आया है कि कौन इनका अच्छा चाहता है, कौन इनका बुरा चाहता है। नेक्स्ट वोडेट आवर्स क्या होगी आपके पर्सन के फीलिंग्स। नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसेस, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको यश अपना डेस्टाइन मानते हैं और किस्मत आप दोनों को साथ में ला रहा है। आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। अगर आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो डेफिनेटली आप दोनों का किस्मत साथ में है। ओके, और आपके पर्सन का ड्रीम है, ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स देखते हैं, नेक्स्ट 48 आवर्स में ड्रीम्स देखेंगे, आपको फील करेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स इनको लगेगा वही जो मैं बोलने वाली थी कि आप इनके ट्रू लव हो, आप इनके डेस्टाइंड पार्टनर हो। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी है, ठीक है, हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग तो इन्वॉल्व मुझे ऑलरेडी दिखाई ही दे रहे हैं, बट ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, ठीक है, कि किसी ने काला जादू किया है, ब्लैक मैजिक किया है आप दोनों पर या तो इन पर आपके रिलेशनशिप में, या तो कोई इनको भड़काते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं इनका, या तो आपका करते हैं, ऐसा हो सकता है। तो देखिए, जहाँ पर ट्रू लव होता है वहाँ पर ये सब भी होता है, सो डोंट माइंड। आपको पॉजिटिव रहना है, ओके, आपको पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है। अगर आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ऐसा आपको फील होता है, ठीक है, मुझे लग रहा है अगर आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना, तो आप दोनों अटैच हो, इमोशनली आप दोनों काफ़ी ज़्यादा अटैच हो, या आपको भी फील होता है, या आपके पर्सन को भी फील होता है, और उनको पता है कि एक दिन आपकी रिलेशनशिप को विक्ट्री मिलेगा। और अगर इसके लिए आपके पर्सन ने कभी वर्क नहीं किया, मेहनत नहीं किया, कभी इस रिश्ते पर एफर्ट्स ही नहीं डाला, तो अब ये पर्सन रेडी हैं, ओके, ये रेडी हैं। और अगर आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो प्लीज़ होप मत खोइए, ठीक है, भरोसा रखिए, सब कुछ सही होगा। भरोसा में बहुत बड़ी ताकत होती है, ओके, अगर आपको भरोसा है कि आपका किस्मत साथ में है तो है। नेक्स्ट 48 आवर्स मुझे थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस रहेगा आपके पर्सन पर, या तो आप पर, या तो आपके रिलेशनशिप में। और एक बात याद रखिए, यूनिवर्स आपके साथ हैं, गॉड आपके साथ हैं, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। पहले यहाँ पर ब्लैक मैजिक हुआ है, मैं आपको बता दूँ, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि आप दोनों का प्यार काफ़ी ज़्यादा सच्चा है, प्योर है, ओके, आप दोनों इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अटैच हो एक दूसरे से। और नेक्स्ट 48 आवर्स ये काफ़ी ज़्यादा डीप फीलिंग रखेंगे आपके लिए, और अट्रैक्शन भी देख पा रही हूँ मैं, फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहेंगे आपके साथ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम सॉरी बट मैं आपको सच्चाई बताऊँगी, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन फिजिकली आपसे इन्वॉल्व होने के लिए, आपके करीब आने के लिए आपके पास आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको सब कुछ देने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए आ रहे हैं। भले ये चीज़ें नेक्स्ट 48 आवर्स में ना हो, बट नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन निगेटिव एनर्जी से निकल कर पॉजिटिव एनर्जी में आएंगे। मैं शिफ्टिंग देख पा रही हूँ, आपके रिलेशनशिप का शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, आपके पर्सन पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं और अभी एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, जिसमें यूनिवर्स, एंजल्स इनका हेल्प कर रहे हैं, इनको गाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या कहा था मैंने, देखिए भले कुछ लोग लिए मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में तो नहीं, बट आने वाले समय में आपका यूनियन होगा, ये पर्सन आपके डेस्टाइंड पर्सन है। और अभी क्यों नहीं, क्योंकि अभी आपके पर्सन अपनी सिचुएशन में देख सकते हैं स्टक हैं, ठीक है, कुछ डिसीजन इनको लेना है, कुछ बातें इनको सीखना है, आपको सीखना है। निगेटिव एनर्जी में अगर आप दोनों हो तो प्लीज़, ओके,
नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मन मुटाव हो रहा है या तो हुआ है, तो आपके पर्सन को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, ड्रिंकिंग या तो कुछ, तो ये पर्सन ज़्यादा करें ऐसा हो सकता है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये आपको नहीं करना है, हेल्थ के लिए सही नहीं होता। ओके, और पॉजिटिव रहें। नेक्स्ट 48 आवर्स आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, द आउटसाइडर। मैं आपसे कहूँगी अगर आपके रिश्ते के, देखिए आप ना जो आपको सही लगता है आपको वो करना है। अगर कोई कह रहा है कि तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, नहीं, आपको किसी और का नहीं सुनना है अपने रिश्ते के मामले में या तो अपने लाइफ के मामले में, ठीक है, आप मामले में आपको किसी का नहीं सुनना है, आपको खुद का सुनना है, अपने दिल का सुनना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। जो आपका इंट्यूशन कह रहा है वो करिए, ना कि ये कि कोई और कह रहा है कि तुम ये करो, नो, ऐसा नहीं करना है आपको। ये ज़िंदगी आपका है, ये लाइफ आपका है, रिलेशनशिप आपका है, किसी और का नहीं। तो जो आपको सही लगता है वो आपके से। और अगर आप इनको चेस कर रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, निगेटिव एनर्जी में हो, तो प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर आइए, क्योंकि जब तक आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आओगे, जब तक आप एडिक्शन से बाहर नहीं आओगे, तब तक आपका यूनियन कैसे होगा, क्योंकि यह एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपको सिखाया जा रहा है कि ट्रू लव होता क्या है, सिर्फ एक होना ही ट्रू लव नहीं होता। ओके, तो आपको चेस नहीं करना है इनको, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। नेक्स्ट 48 आवर्स क्या करना चाहिए आपको, करेज, हिम्मत रखिए, ठीक है, विश्वास रखिए, सब कुछ सही होगा। द क्रिएटर, आपको अपने लाइफ का, अपने लव लाइफ का क्रिएटर बनना है। एडवेंचर, कुछ अपने लाइफ में एडवेंचर कैसे, लाइफ में आगे बढ़िए, वो किसे जिसमें आपकी खुशी है। ओके, सो गाइस, ये रही आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, बाय।